पसमंदा महाश्वंद सिंह कि आप लोग अपने जगह पर एकता बना के रखें और जो 15% लोग हैं उनसे सावधान रहें जो हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। हिंदू धोबी को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता है? हिंदू नाई को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान नाई को सरकारी बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? हिंदू चमार को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान हलालखोर को सरकारी बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? इसकी लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। पसमंदा समाज ही नहीं, हम पूरे समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, पूरे देशवासी राज्यवासी को हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज देश का इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास में छेड़छाड़ किया जा रहा है, वैसे लोगों को यह जो है सो हम आईना दिखाना चाहते हैं। ये कैप्टन अब्दुल हमीद जो अपनी जान का न्यौछार किया है और कयूम अंसारी साहब जो बवाए कौम है, जो समाज के रोशनी देने का काम किया है, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बनने का काम किया है, इनकी जयंती मना रहे हैं। ये तो मात्र दो शख्स हैं जिनकी जयंती के अवसर पर हम लोग मना रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं और सैकड़ों लोग हैं जो कुर्बानी भी दिया है देश की आज़ादी के लिए, अपनी बलि दिया है, आहुति देने का काम किया है। पसमंदा समाज को एक विशेष समाज से जोड़कर देखा जाता है, पसमंदा समाज को विशेष समाज से जोड़कर देखा जाता है, आपका क्या मत है? ऐसा नहीं है, संकीर्ण मानसिकता के लोग इस तरह के सोच रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग जो है एक साथ चले, हम यही कामना करते हैं। और जो लोग भी समाज में आगे बढ़ने का काम करेंगे, समाज का नेतृत्व करने का काम करेंगे, उनको भागीदारी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। दो व्यक्ति महापुरुष के आज जयंती है और एक व्यक्ति का जन्म होता है 1905 में और एक व्यक्ति का जन्म होता है 1933 में, और दोनों व्यक्ति अपने अपने कर्म में इतिहास रचने का काम किए। जिन व्यक्ति का जन्म होता है 1905 में, वो व्यक्ति ने गांधी जी के आह्वान पर देश आज़ादी कराने में बिहार का नेतृत्व करने का काम किया, और जब व्यक्ति का समय मिला, जगह मिला, मंत्रिमंडल में जगह मिला, तो वो व्यक्ति ने पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसके कारण आज सारे लोग इस समाज में चलने का सीख रहे। वो व्यक्ति ने ये भी लागू कराया कि बहुत ऐसे व्यक्ति जो जेल में चले जाते हैं और लंबा समय तक ले रह जाते हैं, शिक्षा की अभाव रहती है, तो वो भी व्यक्ति ने ऑर्डिनेंस ला के उन्होंने शिक्षा नीति लागू कराने का काम किया। और दूसरा व्यक्ति ने जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो व्यक्ति ने जब 1965 में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लड़ाई लगता है और जो टैंक नष्ट करने की बात आती है, वहाँ के उसके सैनिक कह रहा था कि पीछे हट जाइए, खतरा है, मर जाएंगे, बाकी गोली लग गया, उसके बावजूद भी देश के रक्षा के लिए उन्होंने टैंक नष्ट करने का काम किया। वैसे व्यक्ति को आज जयंती में हम लोग शामिल हुए हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। देखिए, आज कयूम अंसारी अब्दुल हमीद साहब का जयंती है। आज इस जयंती में हम सारे ये लोग, हम लोग जितने भी आए अनेसो प्रखंड के लोग, और उनको मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कयूम अंसारी साहब ने जो हमारे पिछड़े समाज के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया, उनका भी आज जयंती है। वीर अब्दुल हमीद साहब की जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ाई में उन्होंने टैंक उड़ाने का काम किया, उन्होंने नष्ट करने के काम किया, उनका भी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज का प्रोग्राम ये है कि दो महापुरुष पसमंदा महाज के, एक बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी, दूसरा वीर अब्दुल हमीद जी का जयंती समारोह रखा गया है। और इस समारोह से एक संदेश देना चाहते हैं हम इस बिहार वासियों को कि सभी लोग अपने अपने जगह पर इस महापुरुषों को याद करें और इनकी जो कामना था वो पूरा हो रहा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पसमंदा महाज का जो अधिकार नहीं मिल रहा है, उस अधिकार के लिए ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
हम लोग अपने महाज के लिए आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पसमंदा समाज को क्या संदेश देंगे? पसमंदा समाज संदेश देंगे कि आप लोग अपने जगह पर एकता बना के रखें और जो 15% लोग हैं उनसे सावधान रहें जो हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। हिंदू धोबी को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता है? हिंदू नाई को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान नाई को सरकारी बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? हिंदू चमार को सरकारी बेनिफिट मिलता है तो मुसलमान हलालखोर को सरकारी बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? इसकी लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे।